How about you? जय हिंद। हाँ तो शंभू जी, जी आपने मिस्टर आदित्य को क्यों रोका? आपको क्या ठीक नहीं लगा? जी बिल्कुल, हमें वहां ऐसा कुछ ठीक नहीं लगा। वकील साहब, क्या है ना कि हमारे ऊपर यात्रा की पूरी जिम्मेदारी होती है और हम पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे खड़े रहते हैं कि जो भी हमारे कंवरियां हैं जो देवघर जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे आदित्य जी ने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे कि ये इतना बड़ा बवाल करने वाले हैं। अगर हमें बताए होते तो हम इनके लिए कोई अलग व्यवस्था करते, कोई दूसरे उपाय ढूंढते। लेकिन जब हमें अचानक इस बात का पता चला तो हमें उन्हें रोकना पड़ा। क्योंकि क्या है ना वकील साहब, अगर हम उन्हें नहीं रोकते ना तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब आप ही बताइए, इतने बड़े भीड़ में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं वहाँ पे और कोई नंगा पुंगा आदमी ऐसे दौड़ेगा तो हम उसका पैर थोड़े ना पड़ेंगे, रोकना तो पड़ेगा ही ना। और हमें डर भी था इस बात का कि वहाँ पे बवाल ना हो जाए, पब्लिक प्लेस है, कुछ भी हो सकता है। हमें जो सही लगा वो हमने किया। थैंक यू शंभू जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं थी। उनको इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी मगर मिस्टर आदित्य ने ऐसा नहीं किया। कारण सिर्फ इतना है कि मिस्टर आदित्य मन्नत वन्नत पूरी नहीं करना चाहते, इन्हें तो मीडिया कवरेज चाहिए था। बात तो सही कह रहे, नहीं तो इतना नाटक करते थोड़ी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इसीलिए इन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी। माय लॉर्ड, गलत है। माय लॉर्ड, मेरी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इन सारी बातों को सोच सकूं। मिस्टर आदित्य, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना केस खुद नहीं लड़ रहे होते। मिस्टर जाकिर, मिस्टर आदित्य, आपने अपने फायदे के लिए, चंद पैसे और पब्लिसिटी पाने के लिए अपने धर्म की आड़ में ये गंदगी को फैलाने की कोशिश की है। मिस्टर जाकिर, बकवास बंद करिए। अगर आपको इतने ही पैसे और पब्लिसिटी की जरूरत थी तो खड़े हो जाते चौराहे पे कटोरा लेके और अपनी बीवी को भी खड़ा कर लेते। उनकी आड़ लेने की जरूरत क्या थी? आखिर ये हो क्या रहा? मिस्टर आदित्य, ये अदालत है, कोई आपका घर नहीं, और कानून की अवमानना के जुर्म में आप पे कार्रवाई हो सकती है। और मिस्टर जाकिर, आप तो उनसे कई मामले में सीनियर हैं, आपको तो कानून की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। मिस्टर जाकिर, आप पे ये शोभा नहीं देता, आगे से इस बात का ख्याल रखा जाए। अदालत आज की कार्रवाई को समाप्त करती है। सर, नमस्ते सर। आप काफी सीनियर हैं हमसे, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने आपसे। सर, क्या सही है क्या गलत है? हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं सर। सर, एक सवाल पूछना था आपसे। ये काली कोट पहनते क्या हम इंसानियत को भी भूल चुके हैं सर? बस इतना ही पूछ लेते सर।
भगवान से छीन कर लाऊंगा तो